अगर आपको लगता है कि भारत आविष्कार करने के मामले में बाकी दुनिया से पीछे है तो आप गलत हो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत ने भी ऐसे ऐसे महान आविष्कार किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया बदल के रख दी। सो ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। सो पकड़ लीजिए अपने फोन को कसकर, चलिए चलते हैं इस हिंदी फैक्ट्स के रोमांचक सफर पर। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, प्लास्टिक सड़क। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट आपको जानकर हैरानी होगी हम प्लास्टिक सड़क का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज हम प्लास्टिक के संकट से घिरे हुए हैं, लेकिन इससे उभरने के लिए हमारे भारत के ही वासुदेव जी ने 2010 में प्लास्टिक से बनने वाली रोड का निर्माण किया, जिससे हम प्लास्टिक को यूज करके उनके परेशानियों से निकल सकें। और ये सड़क काफी मजबूत और काफी सस्ती भी होती है। फैक्ट नंबर 9, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, एक छोटी सी चीज जो कि किसी भी डाटा को ट्रांसफर करने के काम आती है। USB का आविष्कार हमारे भारत के ही अजय भट्ट जी ने 1994 में किया था। यह कंप्यूटर के जगत में बहुत बड़ा क्रांतिकारी के रूप में साबित हुआ। मुझे नहीं लगता USB का आविष्कार नहीं हुआ होता तो शायद अब भी हम कई साल पीछे होते टेक्नोलॉजी के मामले में। सर अजय भट्ट के मदद से ही आज किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना और उनके डाटा को ट्रांसफर करना पॉसिबल हो पाया है। फैक्ट नंबर 8, लूडो और सांप सीढ़ी खेल यानी बोर्ड गेम्स। लूडो, सांप सीढ़ी और चेस जैसी सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेलों का आविष्कार भी हमारे भारत में ही हुआ था। चेस को हमारे भारत में अष्टपद कहते थे, वही सांप सीढ़ी को भाग्य का खेल कहा जाता था। वही चेस से लोगों की काबिलियत को परखा जाता था। फैक्ट नंबर 7, इंक। दोस्तों आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक कलम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते इस ताकतवर चीजों की खोज हमारे भारत में ही हुआ था। एक कलम में मौजूद इंक की खोज हमारे भारत में 4th century को ही हो गया था। फैक्ट नंबर 6, शैम्पू। आज दुनिया भर में जिस डिजाइन वाले बोतलों से भरकर शैम्पू को बेचा जा रहा है और हमारे भारत के ही टॉप हीरोइंस के हाथों से ही इसका प्रचार भी बिकवाया जा रहा है, शायद हम इस बात से अनजान हैं कि उन शैम्पुओं का आविष्कार भी हमारे भारत में ही हुआ था। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1762 ईस्वी में जब मुगल साम्राज्य हमारे भारत में ही था, तब भारत की तपती धूप से बचने के लिए मुगल सेना शैम्पू को अपने सर पर लगाकर अपने सर ठंडा रखते थे और इसे मसाज करने के काम में भी लाया जाता था और इससे उनके बाल भी साफ हो जाते थे। 1762 ईस्वी में जब इसका आविष्कार हुआ तब उन लोगों ने इसका नाम शैम्पू रखा था। जब यह अंग्रेजों के हाथ लगा तब उन्होंने इस फॉर्मूले को नए नाम शैम्पू से पूरी दुनिया भर में बेचने लगे। और सबसे ज्यादा मजेदार बात तो यह है कि अंग्रेजों ने जिस फॉर्मूले को हमारे भारत से चोरी करके ले गए और उसी शैम्पू को हमारे देश में अलग अलग नामों से बेच रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, शायद आप लोग जानते ही होंगे कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने ही पता लगाया था। भारत का गौरव बढ़ाने वाले इसरो स्पेस एजेंसी ने यह कारनामा साल 2009 में ही कर दिखाया था, वह भी अपने पहले ही प्रयास में। सच कहूँ तो यह बहुत ही गौरव की बात है। फैक्ट नंबर 4, स्टील। क्या आप जानते हैं कि स्टील का आविष्कार भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था, जब साल 1850 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट हेनरी बेसेंबर ने जब स्टील बनाने का दावा किया। किस किस कॉन्सेप्ट द्वारा उन्होंने स्टील बनाया है? इस कॉन्सेप्ट द्वारा भारत में हजारों साल पहले ही स्टील बनाया जा चुका था। इसका सबूत कश्मीर में कई ऐसे स्टील के गोले मौजूद हैं जिसकी उम्र हजारों साल है। फैक्ट नंबर 3, बटन। दोस्तों बटन के बिना हम अपने स्टाइलिश कपड़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कमाल की चीज का आविष्कार कहीं और नहीं बल्कि हमारे प्यारे भारत में ही हुआ है। करीबन 2000 साल पहले सिंधु घाटी के लोग इसका इस्तेमाल अपने कपड़ों में किया करते थे। फैक्ट नंबर 2, फाइबर ऑप्टिकल। दोस्तों आज जो हम इतनी तेज इंटरनेट कर रहे हैं वह सब फाइबर ऑप्टिकल की वजह से है, जो किसी भी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह लाइट की स्पीड से पहुंचा सकती है। और यह सब मुमकिन हो पाया है नरेंद्र सिंह कपानी की वजह से, क्योंकि इन्हें इस टेक्नोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। नाउ फैक्ट नंबर 1, वायरस कम्युनिकेशन। वायरस कम्युनिकेशन का क्रेडिट गुगली मैम्बो मार्कोनी को देती है, लेकिन शायद दुनिया यह नहीं जानती कि सबसे पहले वायरस कम्युनिकेशन का उदाहरण हमारे भारत के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने दिया था। 1895 ईस्वी में ही जगदीश चंद्र बोस जी ने दुनिया को यह बता दिया था कि यह टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। कोलकाता में उन्होंने इसके ऊपर सफल एक्सपेरिमेंट भी किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।